नमस्ते फ्रेंड्स। बरसातों के बाद गमले में जो जंगली पौधे लग जाते हैं, तो मैं आज उन्हीं को हटा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक नई बेल के बारे में बताया जाए। और वैसे तो बेल पुरानी है और पहले भी मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इसमें जो वैरायटीज़ हैं मैं आज उसके बारे में बताती हूँ। तो ये है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन, जो मैंने कटिंग से लगाई थी और बहुत ही बड़ी हो गई है ये। और इसको मैंने फरवरी में लगाया था और ये देखिए एक कटिंग से ये ग्रो किया है और इतना ज़्यादा फैल गया है, इसके कई टहनियाँ तो मैंने तोड़ तोड़ कर दे दी हैं। और ये देखिए इसके जो पर्पल कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है, गार्डन को हमारी बालकनी को बिल्कुल अलग रंग देता है। और इसके कट्स आप देख रहे हैं, पत्ते पे बहुत ही सुंदर प्यारे से कट्स हैं और ये कट से ही इसकी खूबसूरती है। तो जब इसकी नई नई पत्तियाँ आती हैं वो थोड़ी ग्रीन सी होती हैं उसके, और जब वो बड़ी होती हैं तो वो पर्पल कलर की हो जाती हैं। और जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं फिर उनका जो कलर है धीरे धीरे करके ब्राउन हो जाता है और झड़ जाती हैं। तो ये मनी प्लांट की तरह बहुत ही अच्छे से लगता है और कोई ख़ास केयर की भी ज़रूरत नहीं है। और इसका ये दूसरा कलर आप नियॉन ग्रीन कलर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर कलर है। और इसके साथ आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो दूसरी वाली है और ये दोनों आपस में कितनी सुंदर लग रही हैं जब ये दोनों एक साथ लगी हों। और एक तीसरी बेल है जिसके पत्ते हार्ट शेप के आते हैं, रेड कलर के, इसमें ग्रीन भी आते हैं लेकिन मेरे पास यही इसी कलर की है। तो अब तो मैंने आपको तीन पौधे दिखा दिए स्वीट पोटैटो वाइन के, वैरायटीज़ जो है अलग अलग पत्तों वाली है इसकी और बहुत ही इजी टू ग्रो है। देख रहे हैं आप जड़ के जो टहनी है उसके नीचे जो है बारीक बारीक सी एरियल रूट्स होती हैं। तो इसको आप बस आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए कलर तो है ही इसके सुंदर, और आप इसको दो कलर्स को मिक्स करके लगा सकते हैं या सिंगल को लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार कलर एक साथ एक ही पौधे में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो प्लांट है देखने में वास्तव में ही सुंदर है, चार कलर जो एकदम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये मैंने एक हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, जो ग्रिल्स वगैरह पे लटकाते हैं ना बास्केट, उसमें लगा रखा है। और इसकी मैं बहुत कटिंग करती रहती हूँ तो ये इतना सुंदर सुंदर इसमें पत्ते आते रहते हैं। और इसके अंदर शकरकंदी भी लगती है और सबसे बड़ी बात है ये फ्लावर भी देता है। ये इसका फ्लावर है, चाहे ये ग्रीन कलर की हो या पर्पल कलर की हो, इसमें फ्लावर ऐसा ही आता है। और ये देखिए इसके गोल्डन ग्रीन, इसको इस कलर को हम गोल्डन ग्रीन भी कहते हैं, बिल्कुल गोल्डन पत्ते जैसे दिखते हैं, लाइट ग्रीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पत्ते लगे लगे फिर डार्क ग्रीन हो जाते हैं, ये लाइट ही रहते हैं। और बहुत ही सुंदर इसमें देखिए कलियां आ रही है गुच्छे में। अगर आप इसे रेत में लगाते हैं तो इसे शकरकंदी भी आपको मिल सकती है। तो मैं ज़्यादातर लोग जो है ना इस प्लांट को सुंदरता के लिए लगाते हैं, ग्राउंड कवर के लिए यूज़ करते हैं या दीवारों पे बेल चढ़ा देते हैं। और अगर आपके पास मॉस स्टिक है तो मॉस स्टिक पे भी इसको लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही लगाना है। और केयर तो इतनी इजी है, आप धूप में लगा रहता है, गर्मियों में भी धूप में लगा रहता है, चलता रहता है, इसको कोई नुकसान नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर इसको सुबह शाम की धूप मिल जाए, एक टाइम की भी धूप मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छा कलर इसका रहता है। और पूरी गर्मी इसमें बड़ी अच्छी ग्रीनरी रहती है। आप एक सिंगल प्लांट भी इसको बालकनी में या अपनी छत पे या अपने गार्डन में कहीं लगा लेते हैं, उसी से ही आपके जो गार्डन का जो लुक है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये लगाना बहुत आसान है, आप एक टहनी को काट लीजिए और आप चाहें तो पानी में ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं और बहुत आसानी से लग जाता है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें से वाइट कलर का सैप निकलता है। तो आमतौर पे तो मैं यही कहती हूँ कि अगर वो सैप किसी प्लांट में निकल रहा है तो उसे एक
उसको सुखा लीजिए, तभी आप उसको ग्रो कीजिए। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, इसके साथ इसकी हर पत्ती के साथ एक एरियल रूट निकल रही होती है, तो आप बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। बस इस टहनी को तोड़िए या इसका सिरा दबा दीजिए, या इसको लिटा कर इसके ऊपर मिट्टी बुरक दीजिए, ये अपने आप ही सेट हो जाता है। तो ये देखिए, और एक खुद से मैंने एक प्लांटर, हैंगिंग प्लांटर बनाया है बॉटल में छेद करके, और इसमें हर छेद के अंदर अलग अलग प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये टहनी सूख गई थी तो यहाँ से चिड़िया निकाल कर ले गई है। तो बस आपको एक गड्ढा खोदना है, और गड्ढा खोद के इसको ऐसे आप दबा दीजिए, और आपका ये फ्री का प्लांट तैयार हो जाएगा। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत सुंदर लगता है। टहनी भी तोड़ के आप ले आए तो आप इसे बड़े आराम से लगा सकते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाता है। और अगर आप दो कलर्स को एक साथ जोड़ के, सभी मैंने पीछे दिखाया आपको कि दो कलर्स वाले पत्तों को एक साथ आप लगाते, जैसे एक, एक लाइट ग्रीन हुआ एक प्लांटर, एक डार्क ग्रीन का हुआ या पर्पल कलर का हुआ, फिर लाइट ग्रीन। और ये देखिए, मैंने बॉटल को काट कर, ये पिछले साल मैंने लगाए थे, बहुत सारी कटिंग मैंने इससे तैयार की, और ये बॉटल पे मैंने पेंट ना करके कपड़ा लपेट दिया, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए कितनी हेल्दी है, ये एक साल पुरानी है। और इसको मैं इस मग के अंदर रख देती हूँ ताकि जब मैं पानी डालूँ तो एक्स्ट्रा पानी इस मग में रहे और जो बालकनी है वो भी गंदी ना हो। अब इस तरह से मैंने बहुत सारी कटिंग्स इसकी लगा रखी हैं, और ग्रोथ आप देखिए कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये प्लांट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और कहीं से मिल जाए तो ज़रूर लगा लीजिए। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखें।